सुबार्डिनेट क्लास डिवेलपमेंट डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे सुबार्डिनेट क्लास डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है सुबार्डिनेट क्लास इज अ टाइप ऑफ क्लास दैट डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट क्लास आर मेन क्लास दे टाइपिकली फंक्शन एज नाउन क्लास वर्ब क्लास एड वर्ब क्लास Uh, ren and martin uh, suggest uh, that children begin to produce uh, uh, these uh, classes uh, around the uh, 5 to 6 years age. subordinate classes may, these early subordinate classes may be introduced with subordinating conjunctions like because, if, or when.

दूसरी इसकी एग्जाम्पल इस तरह है जैन अराइव्ड आफ्टर द रीडिंग क्लास स्टार्टेड नो कॉमा सो इसमें इंडिपेंडेंट क्लास पहले आएगी और uh, फिर उसके बाद सुबार्डिनेट uh, क्लास आएगी तो uh, ये जो क्लासेज हैं uh, ये uh, जो सबार्डिनेट क्लास हैं इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलकर uh, uh, अपने सेंटेंस बनाती हैं और ये हर क्लास जो है अपना सेपरेट मीनिंग भी कन्वे करती है दे यूज़ ऑल दो वाइल्ड आर सेंस दे मे आल्सो लर्न टू द वर्ल्ड ऑर्डर यानी इसमें वर्ल्ड ऑर्डर को भी चेंज किया जाता है मैन्यूपलेट किया जाता है तो डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे करने के लिए पर्पज़ इसका ये होता है कि डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे किया जाएं। और रेन एंड मार्टिन के मुताबिक द डेवलपमेंट ऑफ सुबार्डिनेट क्लास सिंटैक्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लोजली रिलेटेड इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं गो इन में मीनिंग्स तो कन्वे होते हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ एक पे डिपेंड कर रही हैं और दोनों मिलाकर पूरी सेंस कन्वे uh, करती हैं सो चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कम्बाइन क्लासेस इन डिफरेंट वेज मुख्तलफ अंदाज में उनको क्लासेस uh, को कम्बाइन करना सीखना चाहिए टू प्रोड्यूस सेंटेंसेस विद डिफरेंट मीनिंग्स एंड फंक्शंस सुबार्डिनेटिंग कंजेंशन जो हैं चिल्ड्रन रिकगनाइज एंड यूज सुबार्डिनेटिंग टू इंट्रोड्यूस सुबार्डिनेट क्लासेस बिकॉज इफ वन आल दो एंसडेंट्स अब इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि सेम डांस ग्रेसफुली इवन विद अ बैक इंजरी तो मेन क्लास इसमें यह है सेम डांस ग्रेसफुली और जो सुबार्डिनेट क्लास है इवन विद अ बैक इंजरी सो मेक सेंस एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट एज अ सेंटेंस जो मेन क्लास होती है ये करती है और इज नाट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बाई इट सेल्फ एंड रिक्वायर्स द मेन क्लास टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग जो सबार्डिनेट क्लास के साम के साथ हम जब तक मेन क्लास नहीं मिलाएँगे तो उसके मीनिंग फिर इस लिहाज से कम्प्लीट uh, होना मुश्किल होगा वर्ड ऑर्डर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर वर्ड्स विदन अबार्डिनेट क्लास कैन इम्पेक्ट इट्स मीनिंग तो ये मीनिंग पे असरानंदाज होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आई सा द डॉग दैट वॉज रनिंग एंड आई सा द डॉग रनिंग डॉग यानी देखें ये पहले जो सेंटेंस था उसमें मैंने डॉग को देखा दैट वॉज रनिंग दैट लगा के उसको कंप्लीट किया गया uh, दूसरे सेंटेंस में क्या है आई सा द डॉग की बजाय आई सा द रनिंग डॉग तो सिटेक्टिक uh, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से कॉम्प्लेक्सिटी है कि चिल्ड्रंस सिंटेक्टिक स्किल्स प्रोग्रेस इससे उनके जो ग्रामेटिक स्ट्रक्चर्स के जो स्किल्स हैं वो बढ़ते हैं और दे प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद मल्टीपल सबार्डिनेट क्लासेस तो मल्टीपल सबार्डिनेट क्लासेस के साथ उनके सो रिलेटिव क्लासेस और सुबार्डिनेट क्लासिज इसकी एग्जाम्पल्स हैं नॉमिनल क्लासेस और फिर रिलेटिव क्लासेस क्या है इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं इनडायरेक्ट कमांड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो एडवर्बियल क्लासेस क्या हैं एडवर्ब एडवर्सेटिव एंड कंक्लूसिव क्लासेस कंडीशनल क्लासेस टेम्पोरल क्लासेस इस तरह सो ऑन तो एक्सपोयर टू लैंग्वेज मॉडल्स चिल्ड्रन एक्सपोज टू मोर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ये जो जो स्टूडेंट्स चिल्ड्रन न्यू न्यू स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर से वो उन पर उनका एक्सपोजर होता है लैंग्वेज यूज़ डिवेल्प क्विकली तो वो तेज़ी से लैंग्वेज यूज़ करना सीखते हैं और सुबार्डीनेट क्लास का इस्तेमाल भी वो सीखते हैं और फिर इस पर कंटेक्चुअल फैक्टर्स भी असरानंदाज होते हैं तो लाइक परपज़ ऑफ कम्युनिकेशन आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं लाइक लिसनर्स नॉलेज and the speaker's intent so uh, this is the boy who won the first place in the race so subordinate class isme uh, kya hai the first the boy the one uh, the boy who won the first place ye kya hai subordinate class hai और इस तरह मतलब ये कि दोनों क्लासेस को मिलाकर ये आप इसको uh, meaning convey कर रहे हैं पूरा sentences सेंटेंस बना रहे हैं